पर जो कि कानपुर का एक महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर तमाम लोग कहते हैं मैगी पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिस पर लुक लेने आते हैं। साथ में यहाँ गंगा बैराज पर बोट क्लब का भी उद्घाटन किया जा चुका है जिसमें लोग बोटिंग करने के लिए भी आते हैं। अगर हम बात करें इस जगह की तो यहाँ पर जो सूत्रों के माने तो कानपुर के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो जल जीवों का शिकार है उस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा, क्योंकि पूर्व में डीएम ने 1954 की 3A के तहत यहाँ पर जल जीवों के शिकार पर प्रतिबंध भी लगाया था। मगर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंगा के इस पार की बात करें तो यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मेरे ठीक पीछे नवाबगंज थाने की जो चौकी है गंगा बैराज चौकी वो यहाँ पर है, और अगर हम बात करें तो ठीक गंगा के उस पार में थाना कोहने की जो थाना कोहना पड़ता है कानपुर नगर का उसकी भी एक चौकी यहाँ पर तैनात है। दो दो चौकियाँ अगल बगल, उसके बावजूद उस पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, थाने की भी दूरी मात्र यहाँ से मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर, मगर उसके बावजूद यातायात पुलिसकर्मियों की भी यहाँ पर ड्यूटी चौराहे पर रहती, मगर उसके बावजूद भी शिकारियों पर लगाम नहीं लग पा रही। लगातार जल जीवों का शिकार हो रहा, मछली का शिकार हो रहा, जो कि अभी आपने विजुअल्स में हमारे उस, क्योंकि हम आज उसके रियलिटी चेकअप पे आए थे और हमने उसकी पड़ताल की तो हमने देखा, क्योंकि लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करें, तमाम ऊंची बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है जिससे लोग उस तरफ ना जा पाए, मगर कहीं ना कहीं जो इन बैरिकेड इन शिकारियों पर इस किसी भी प्रकार का रोक नहीं लग पा रही, ये कहीं ना कहीं खासा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कानपुर डीएम ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया था पूर्व में, मगर क्या कुछ दिन के प्रतिबंध से क्या जल जीव सुरक्षित होंगे, क्या इन शिकारियों से जल जीवों की सुरक्षा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक।